आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, एक गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है, उसको हमें पढ़ना है और हमें उसके लिए ये बताना है कि उसके लिए एक सिंगल वर्ड क्या उसको डिफाइन करेगा, यानी कि एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इक्वेशन है। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली। तो दोस्तों, हम उसको क्या बोलते हैं जो पर्सन स्किल्ड होता है राइटिंग ब्यूटीफुली। तो दोस्तों, ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हमारे पास कार्टूनिस्ट, कैलीग्राफर, पेंटर और आर्टिस्ट। तो दोस्तों, राइट आंसर में अगर आपको बताऊं, राइट आंसर तो इसका ऑप्शन टू है, दैट इज कैलीग्राफर। तो कैलीग्राफर क्या होता है? कैलीग्राफर होता है अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली। अब जो दोस्तों ऑप्शंस बचे हुए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कार्टूनिस्ट की, तो कार्टूनिस्ट होता है एन आर्टिस्ट हु ड्रॉज कार्टून्स। तो दोस्तों, जो कार्टून्स ड्रॉ करता है उसको हम बोलते हैं कार्टूनिस्ट। और अगला देखते हैं पेंटर। पेंटर कौन होता है? तो पेंटर होता है एन आर्टिस्ट हु पेंट पिक्चर्स। तो आर्ट आपका पेंटर होता है एन आर्टिस्ट हु पेंट पिक्चर्स। दोस्तों, एक ऑप्शन और बचा है आर्टिस्ट, उसको भी पढ़ लेते हैं। आर्टिस्ट क्या होता है? पर आर्टिस्ट होता है अ पर्सन who creates or draws as a profession or hobby। ठीक है दोस्तों, आर्टिस्ट होगा एक जो आदमी क्रिएट करता है, ड्रॉ करता है एज अ प्रोफेशन और एज अ हॉबी। तो दोस्तों, राइट आंसर इसका कैलीग्राफर है। कैलीग्राफर वो होता है अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।